वो स्लैमिंग क्या कर रहे हो, वीडियो बना रहे हो, कमेंट करना शेयर करते हैं। एक और है देखिए, भारतीय पक्षी जगत की ये सबसे सुंदरतम पक्षियों में और गाने वाली चिड़ियों में ये है। देखिए कितनी आह्लादित है, कितनी खुश है, या तो मेरे घर के आसपास कहीं ये घोंसला बना रही है। इसका नर ब्लू ब्लैक या बैंगनी कह सकते हैं, पर्पल रंग का होता है, आधा पर्पल होता है इसके सिर और पीठ का कुछ भाग और बाकी ब्लैक होता है, और उसके पंख के किनारे जो है दोनों तरफ लाल छोटा सा एक पंख होता है। ये देखिए जो सामने आप देख रहे हैं, ये पर्पल सनबर्ड की मादा है, ये मादा है चिड़िया, और ये इसके एक्शन से लग रहा है ये बहुत खुश है, और शायद कहीं घोंसला ये देगी या देखिए इतना सुंदर वीडियो मैं अपनी ज़िंदगी में पहली बार देख रहा हूँ। देखिए अच्छा, उसके बगल में देखिए एक और चिड़िया है, वो उसका कलर कुछ गाढ़ा है, जो डांस कर रही है वो तो बहुत सुंदर है। पृष्ठ भाग में नर भी है, वो पर्पल ब्लैक ब्लू ब्लैक का जिसका मैं जिक्र किया, वो नहीं, वो भी मादा ही है। था क्या वो मादा ही है, मादा ही है, वो नहीं है, सॉरी। इसकी चोंच टूटी हुई है क्या है? हाँ कुछ है, जीवी हो, डांस अच्छी कर रही है। देखिए आनंद लीजिए, ये जम के वीडियोग्राफी करा रही है, मेरे बेटे अनुराग जी इसका फिल्मांकन कर रहे हैं। देखिए मैं ये लगभग 20 साल पहले एक गुलमोहर का पेड़ लगाया था, उसी पेड़ पर ये बैठी है, पेड़ पर तो नहीं बैठी है, उसी के बीच से एक बिजली का तार गया है उस पर बैठी है, लेकिन पेड़ के मध्य में है वो तार। और देखिए आनंद लीजिए, पक्षी जगत का एक पक्षी जगत की बहुत सुंदरतम और विरलतम पक्षी है। देखिए पृष्ठ भाग में वो नर भी आ गया है और टेलर बर्ड गीत गा रही है, लेकिन अपना ध्यान इसी पर रखिए। देखिए ये लग रहा है कि ये हीरोइन बन करके शूटिंग करा रही हो उड़ गई।